हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं देखने जा रहा हूँ ये यामाहा हेजार, इस बाइक का एक प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये रिले का फ्यूज बार बार काट हो रहा है। ये जो फ्यूज देखिए ये काट हो रहा है, इसलिए वायर के जरिए से ये रिपेयर करने की कोशिश की। तो ये फ्यूज ही बार बार काट हो रहा है क्यों, ये आज आपको इस वीडियो के जरिए से देखने वाला हूँ। दोस्तों पहले मेरे को चेक करना है ये जो फ्यूज लगा हुआ रहता है ये वायर किधर जाता है, वो मेरे को देखना है। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन वो निकलना है। अभी इसको सेट करके ये काट हो रहा है किस लिए वो पहले चेक करने के लिए ये जुड़ा हूँ। और अभी ये सही करने के बाद जो नया फ्यूज वो डालने वाला हूँ। अभी एक काट होने के बाद ही क्या है वो मेरे को देखना है। अभी इसको इधर सेट करके देखना है इसका जो फ्यूज बार बार काट हो रहा है। पार्टी ने आज परेशान हो गया इसलिए इसको इधर छोड़ा हूँ। छोड़ने के बाद देखिए मीटर में लाइट भी आ गया। अभी देखिए ये लाइट आ गया। अभी मेरे को देखना है क्या करने से इसका जो फ्यूज कट रहा है। देखिए एक फ्यूज कट हो गया दोस्तों, आपको अभी देखने को मिला है। जिस टाइम मैंने हैंडल को इस तरफ घुमाया उस टाइम फ्यूज कट हो गया। अभी ये दूसरा जगह में जिधर हो टच हो रहा है इसलिए कट गया। अभी वो किधर टच हो रहा है वो देखना है। ये फ्यूज कट हो रहा है तो यहाँ से जो कनेक्शन जो पॉजिटिव लाइन है ये जो दो लाल वाला वायर देख पा रहे हैं ये दो वायर को चेक करना है, इसलिए मैंने चेक किया हूँ। और मेरे को वो जगह भी मिला है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से टच करने से फ्यूज कट हो रहा है। देखिए दोस्तों ये जो पॉजिटिव आप वायर देख पा रहे हैं यहाँ से थोड़ा लीकेज है, लीकेज आप देख पा रहे हैं। ये टच होने से इस तरफ आ रहा है, उस टाइम ये जो लोहा है यहाँ पर टच हो रहा है, इस तरह टच होने से फ्यूज कट रहा है। ये लीकेज, ये लीकेज की वजह से ये फ्यूज कट हो रहा है। अभी ये डाल के और टेप करके आपको देखने वाला हूँ और हैंडल घुमा के भी दोस्तों इस फ्यूज बार बार कट हो रहा है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेपिंग करने का काम अभी होने वाला है। ये टेपिंग करके हैंडल घुमा के भी आपको देखने वाला हूँ। ये हो गए बराबर। अभी ये सेट करना है, यहाँ से टच होने से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी इसको ठीक तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये वायर इधर नहीं आना चाहिए दोस्तों। ये वायर को ठीक तरह से सेट कीजिए, मैं भी सेट करने वाला हूँ। दोस्तों ये जोड़ने का काम हो गया। अभी इग्निशन स्विच ऑन किया हूँ, देखिए इसका जो लाइट ये आ गया। अभी आपको हैंडल घुमा के भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हैंडल घुमाने से ये फ्यूज़ कट हो रहा था दोस्तों। मैंने जितना जानकारी आपको बताने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। जितना है बस। ओके बाय।